लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिजिटल हाजिरी पर यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया। प्रदेश भर में शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे। मामले में मुख्य सचिव ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी 6 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार फैसला करेगी। तो यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर रोक लगा दी है, क्योंकि काफी विरोध हो रहा था डिजिटल हाजिरी को लेकर। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। विवेक, यूपी में शिक्षकों की जो डिजिटल हाजिरी को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, अब वो मामला कह सकते हैं कि हल हो गया है, क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला कैसे देखें? देखिए, पिछले काफी दिनों से लगातार पूरे प्रदेश के शिक्षक, करीब 6 लाख शिक्षक जो है वो ग्राउंड पे उतर के विरोध दर्ज करा रहे थे सरकार के फैसले के खिलाफ। साफ तौर पर हर तरीके से अपना पुरजोर विरोध शिक्षक दर्ज करा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी लगातार शिक्षकों की बात का समर्थन कर रहे थे। बात की जाए तो कल देवेंद्र प्रताप सिंह, जो गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हैं, शिक्षक नेता हैं, उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, साफ तौर पर इस चीज पे रोक लगाने की बात की। उन्होंने कई और भी चीजें पत्र के माध्यम से अवगत कराई हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे बड़े विभाग हैं जहाँ लोग लगातार अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन वहाँ इस प्रकार की सुविधा जो है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर नहीं है। साथ ही साथ शिक्षा के मामले में उन्होंने ये भी कहा कि जो मोबाइल प्रदान करने वाली बात है, जो पुरानी मोबाइल प्रदान करने वाली बात है, उसमें जो है वो घोटाले को लेकर तमाम बातें हुई हैं। तो साफ तौर पर शिक्षकों का समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मिलता रहा है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्य सचिव से एक डेलीगेशन जो है शिक्षकों का मिला, और साफ तौर पर अपनी समस्याएं जो है उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्य सचिव ने बकायदा 6 महीने का एक निर्देश दिया है कमेटी बना के, कि कमेटी जांच करेगी, तमाम फैक्ट्स के बारे में पता करेगी, और रिपोर्ट जो है वो 6 महीने में सरकार के सामने रखेगी। अध्यक्षता खुद मनोज सिंह, जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो अध्यक्षता करेंगे, और 6 महीने बाद योगी सरकार इस पूरे मामले पर जो फैसला ले सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि विधानसभा का उपचुनाव भी है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर बैकफुट पे आई है। बिल्कुल, जब विरोध भी हो रहा था तो जाहिर सी बात है सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक।